मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुमार विश्वास ने राम कथा के दौरान आरएसएस को अंधपढ़ और वामपंथियों को कुपड़ कह दिया। उन्होंने यह बात बजट पर टिप्पणी करते हुए कही। कुमार विश्वास की इसी बात को लेकर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया और कार्यक्रम के पोस्टर फाड़ दिए। अब इसको लेकर कुमार विश्वास की सफाई भी सामने आई। वीडियो जारी कर उन्होंने कहा कि लोगों ने गलत समझा। कल शिप्रा के तट पर उज्जैनी में खराब स्वास्थ्य के बावजूद महाकाल की कृपा से मैं राम कथा और उसकी प्रासंगिकता पर बोल सका। कथा प्रसंग में मेरे कार्यालय में काम करने वाले एक बालक के विषय में मैंने एक टिप्पणी की, जो संयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता है। पढ़ता लिखता कम है, बोलता ज्यादा है। मैंने उससे कहा कि तुम पढ़ा करो, तुम पढ़ते नहीं हो, वामपंथी कुपढ़ हैं और तुम अनपढ़ हो। सिर्फ इतनी सी बात मैंने कही और इसे कुछ लोगों ने ज्यादा फैला दिया। आइए आपको सुनाते हैं कि कुमार विश्वास ने क्या कुछ कहा। जय जय सियाराम। कल क्षिप्रा के तट पर उज्जैनी में बहुत खराब स्वास्थ्य और बुखार के बावजूद, आज भी ये बुखार है, लेकिन महाकाल बाबा ने कृपा की तो 2 घंटे से अधिक समय मैं राम कथा और उसकी प्रासंगिकता पर बोल सका। कथा प्रसंग में मेरे कार्यालय में काम करने वाले एक बालक के विषय में मैंने एक टिप्पणी की, जो संयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता है। पढ़ता लिखता कम है, बोलता ज्यादा है। तो मैंने उससे कहा कि तुम पढ़ा करो, तुम पढ़ते नहीं हो, वामपंथी कुपढ़ है और तुम अनपढ़ हो। सिर्फ इतनी सी बात मैंने ये कही और इसे कुछ विघ्न संतोषियों ने इसे ज्यादा फैला दिया। आज मुझे कुछ समाचार मिले कि कुछ मित्रों ने कहा कि हम इस कथा को भंग करेंगे। तो भाई, आप ध्यान रखिएगा कि राम की कथा कौन भंग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और मैं उज्जैनस्थ अपने सभी मित्रों से अनुरोध करता हूँ कि वहां पर पहुंचे और मैं जो बोल रहा हूँ उसका अर्थ आप उस तरह से लगाएं जो मैं बोल रहा हूँ। यदि आप किसी नए अर्थ में उसे समझेंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तदुपरांत आपकी इस सामान्य बुद्धि में अगर ये प्रसंग किसी और तरीके से चला गया है तो उसके लिए मुझे माफ करें, क्षमा करें। 2-2.5 घंटे में जो उत्सव धर्मी हो, जो अच्छा हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा से नवनीत निकल सकता हो, उसे लेने की कोशिश करिए। और आज प्रार्थना में बैठते समय भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने भी ये विघ्न संतोष पैदा किया है, ईश्वर उनकी बुद्धि को भी मलिनता से दूर करे, भगवान से जुड़े, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जुड़े। मैं पुनः स्पष्ट करूं, मैं एक कथन मेरे कार्यालय में रहने वाले एक व्यक्ति के बारे में था, एक बालक के बारे में था। और ऐसी बात तो मेरे पिता भी मुझसे कहते हैं, बड़े मूर्ख हो तुम, जो स्वयं आप जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं कि संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, मेरे भाई भी। ऐसी बातें तो सभी बोलते हैं, लेकिन मैंने उस लड़के से बोला, क्योंकि आयु में बहुत छोटा बच्चा है, इसलिए बोल दिया और वो आपको अपना मान के मैंने वहां सूचित कर दिया। तो अब आप आइएगा और सुनिएगा आज शंकर के राम पर, इन दो विभूतियों के संयोजन पर कुछ कहने का बड़ा मन है। ऐसा मन दीजिए कि अच्छे से बोल पाऊं, गला भी ठीक हो पाए, बुखार भी उतर पाए। महाकाल बाबा कृपा करें और राघवेंद्र सरकार राम आप सबका कल्याण करे। जय सिया राम। अब इसके साथ ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित विक्रमोत्सव 2023 में कुमार विश्वास की रामकथा निरस्त होने का एक फर्जी पत्र वायरल हो रहा है। जिसके पास भी ये पत्र पहुंचा वो चौंक गया। हालांकि महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ ने इसे झूठा बताया। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निर्देशक श्री राम तिवारी ने पत्र जारी किया है। इसमें बताया गया है कि विक्रमोत्सव 2023 अंतर्गत 21 से 23 फरवरी 2023 तक कुमार विश्वास की चलने वाली रामकथा का कार्यक्रम बददस्तूर जारी रहेगा। सोशल मीडिया पर निर्देशक महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के नाम से जारी पत्र नकली है, जो विघ्न संतोषियों द्वारा जारी किया गया है। इसकी कोई सत्यता नहीं है। आयोजकों की ओर से यह कहा गया है कि कुमार विश्वास के कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर चला पत्र झूठा है। आयोजकों ने बताया कि 22 फरवरी और 23 फरवरी को उज्जैन में यह कार्यक्रम जरूर होगा। दरअसल मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में इन दिनों कवि कुमार विश्वास की रामकथा चल रही है। इस दौरान कुमार विश्वास ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जोड़ते हुए एक वाक्य सुनाया, जिस पर राज्य में सियासी बवाल चालू हो गया। वहीं उज्जैन नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष सोनू गहलोत ने कहा कि कुमार विश्वास को इस टिप्पणी के लिए माफी मांगनी होगी, यदि माफी नहीं मांगी तो आगे के कार्यक्रम को रोक दिया जाएगा। पूर्व निगम अध्यक्ष सोनू गहलोत ने कहा कि कुमार विश्वास ने 100 साल पहले बने संगठन पर अनर्गल टिप्पणी की है। सोनू गहलोत ने कहा कि 100 साल से देश को बनाने में संगठन काम कर रहा है, जिसके हजारों कार्यकर्ता ने अपना पूरा जीवन देश को दिया है। उस संगठन के बारे में यदि कोई टिप्पणी की है तो यह बर्दाश्त के बाहर है।
सोनू गहलोत ने कहा कि संगठन के एक स्वयंसेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में विश्व में भारत का मान बढ़ा रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।